अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुजीनास रेसिपी। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस चिकन हांडी की रेसिपी। चिकन हांडी बनाने के लिए मैंने इधर बोनलेस चिकन यूज किया है। मैंने इधर 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। उसमें 4 मैंने हरी इलायची ऐड किया और उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया है। अभी इसमें ऐड किया है मैंने 1/2 कप योगर्ट। योगर्ट को मैंने फेंट किया था। अभी इसको फ्राई करते हैं। अभी इसमें से पानी निकलेगा तो ये पानी को बिल्कुल ड्राई करना है। अभी जब थोड़ा पानी ड्राई हो जाए तो उस पॉइंट में ऐड करते हैं सॉल्ट और इसको फिर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। अभी इसको साइड में रखते हैं और एक पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। अभी इसमें ऐड करते हैं 1 बड़ी इलायची, 2-3 सिनेमन स्टिक और 4-5 क्लोव्स। उसके बाद मैंने ऐड किया है 3 मीडियम साइज का स्लाइस्ड अनियन। अभी इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लिया है। और उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। फिर ऐड करते हैं सॉल्ट, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड कश्मीरी चिली पाउडर। और उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 कप टमाटो प्यूरी। अभी इसको अच्छे से भून लेते हैं। इसको तब तक भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर इसमें ऐड करते हैं 1/2 कप योगर्ट। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। देखिए इसमें से भी ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। ये अच्छे से भून गया है। अभी इसमें ऐड करते हैं फ्राई किया हुआ चिकन। अच्छे से मिक्स करते हैं। अभी इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी और गरम मसाला 1/2 टीस्पून करके मैंने लिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ऐड करते हैं 1 कप वाटर। इसको कवर करके 10 to 15 मिनट्स के लिए मीडियम हीट में कुक करते हैं। 15 मिनट्स हो गया है। अभी इसमें ऐड करते हैं कुकिंग क्रीम। 1/2 कप मैंने कुकिंग क्रीम ऐड किया है। देखिए इससे इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा बन गया है। चलिए अभी इसको सर्व करते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त चिकन हांडी बनके तैयार है ना। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होता है। अभी इसके साथ मैं इधर बना रही हूँ तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को अगर ये रेसिपी देखना है तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।